नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एल्युमिनियम का अगर स्काई बॉन्ड एसीपी सीट का दरवाज़ा लगवाते हैं तो कितना खर्चा पड़ेगा, बनाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कुछ पॉइंट, तीन चार पॉइंट एल्युमिनियम स्काई बॉन्ड के बारे में। ठीक है, और आप लोग को एसीपी है उसके बारे में डाउट होगा, तो एसीपी का मतलब होता है एल्युमिनियम कंपोजिट पार्टीशियन होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का ये स्काई बॉन्ड का बेस्ट होता है, सीट बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर ले एल्युमिनियम का जो डोर लगवाते हम लोग उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो दोस्तों उसका यूज हम लोग बाथरूम के लिए, टॉयलेट के लिए और ऑफिस के लिए एंड अदर कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लगाते हैं ये डोर। ठीक है, जहाँ पे ऑफिस वगैरह में देखते होंगे एल्युमिनियम का लगा रहता है, ग्लास वगैरह भी लगा रहता है। ठीक है, इसका लाइफ कितना होता है, तो दोस्तों यह 10 से 15 साल चलता है मैक्सिमम। यह वाटरप्रूफ होता है और इसको हम लोग रिपेयर भी करके ठीक ठाक कर सकते हैं। ठीक है, और इसका वेट होता है बहुत ही हल्का वेट होता है, 10 से 12 केजी के आसपास होता है, लेटेस्ट 15 केजी का होता है। ठीक है, और इसको हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो हमने जो लगवाया है बाथरूम में, जो कि आप वीडियो में देखे होंगे, तो उसका खर्चा कितना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो बाथरूम बड़ा है उसमें टॉयलेट बाथरूम दोनों अटैच है, तो दरवाज़ा को जो साइज़ हमने रखा था 3 फुट चौड़ाई रखे थे। ठीक है, और दोस्तों 7 फुट का ऊंचाई रखे थे, तो हमारा टोटल दरवाज़ा का जो एरिया हो गया 7 × 3 21 स्क्वायर फुट हो गया। ठीक है, हमने बड़ा रखा था, आपका थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि बाथरूम का जो हाइट रहता है 6 फीट का लोग रखते हैं, 6.5 फीट का रखते हैं और ये 2.5 फुट का रखते हैं चौड़ाई। ठीक है, हमने 3 फुट रखा, बड़ा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात कर लेंगे कि दोस्तों आप जब भी जाइएगा हार्डवेयर दुकान में जहाँ पे ये बनता है, तो वहाँ पे सीट का अगर बात कर ले तो 6 mm का सीट रहेगा, तो आपको 30 रुपया के आसपास पड़ जाएगा 1 स्क्वायर फुट का। ठीक है, लेकिन दरवाज़ा बना के देगा तो उसका अलग ही कॉस्ट पड़ता है। तो अब हम बात कर लेंगे कॉस्ट ऑफ डोर जो एसीपी का रहता है, एल्युमिनियम कंपोजिट पार्टीशन। ठीक है, और स्काई बॉन्ड का अच्छा आता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, बाकी इससे लो बजट में भी बहुत सारा कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों जो इसका दरवाज़ा का कॉस्ट पड़ता है 1 स्क्वायर फुट का, वह 150 से लेके 170 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ता है। ठीक है, बना के चार्ज बोल रहे हैं, और 6 mm का सीट लेंगे, केवल सीट लेंगे तो इसका 30 रुपया पर स्क्वायर फुट पड़ेगा। ठीक है, केवल सीट का हम बात कर रहे हैं, एसीपी सीट। ठीक है, तो अब हम टोटल कॉस्ट का बात कर लेंगे एसीपी डोर जो फ्रेम के साथ रहेगा कॉस्ट, तो यह दोस्तों 170 रुपया हम पकड़े हैं, कहीं कहीं ये ज़्यादा भी होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका सीट है, कितना मोटा है, और साथ साथ आप इसमें ग्लास वगैरह ऐड करेंगे तो ज़्यादा पड़ जाएगा। तो नॉर्मल हम 170 रुपया अगर बात कर ले तो 21 स्क्वायर फुट जो मेरा दरवाज़ा था, तो देखिए 170 × 21 स्क्वायर फुट तो 3570 रुपया पड़ा। ठीक है, तो 3570 रुपया हमारा दरवाज़ा का पड़ा था, बना के दिया था, और साथ साथ जब आप घर पे लाएंगे तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी पड़ेगा। ठीक है, अगर स्पेलिंग गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, आपका 250 रुपया ले लेगा इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मिस्त्री आएगा आपका डोर दरवाज़ा सेट करके जाएगा, उसका कॉस्ट का बात कर, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट अर्ली नियम डोर का 3570 प्लस 250 रुपया, तो यह दोस्तों 3570 प्लस इसमें हम 250 रुपया कर देंगे, कहीं कहीं ये 300 रुपया भी ले सकता है मिस्त्री का चार्ज ठोकने का, तो ये देख सकते हैं 3820 रुपया पड़ जाएगा। तो टोटल हमारा कितना पड़ गया, 3820 रुपया आपका एल्युमिनियम दरवाज़ा का पड़ गया। और लो से लो का अगर बात कर ले,
तो आपको 2700 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टॉलेशन करके, और ज़्यादा से ज़्यादा 4000 में, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल वीडियो हमारा देख लेते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।